अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये है उबला हुआ पास्ता, स्पेगेटी और मैक्रोनी, और ये है वेजिटेबल कुस्सा, ये है मटर, और ये गाजर, हरी प्याज, शिमला मिर्च, चिकन, और ये है बंद गोभी, और ये है कटे हुए शिमला वो हरी मिर्चें, लाल मिर्च, चिकन क्यूब, ये चाइनीज़ सॉल्ट, ये काली मिर्च, और ये है सोया सॉस, और टोमेटो केचप, मायनीज़, अदरक लहसुन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन, ये मैंने लिए हैं दो चिकन ब्रेस्ट लिए बड़े वाले। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप कम में बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आधा आधा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, चाइनीज सॉल्ट, काली मिर्च, दो चिकन क्यूब। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब भी फ्राई हो जाएंगे तो बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, चिकन हमारा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, केचप, तकरीबन एक छोटे कप के बराबर। तो दो चम्मच के करीब मायनीज़, बड़ा वाला चम्मच, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे गाजर, क्योंकि गाजर कच्ची है तो थोड़ा सा पकने में टाइम लेगी, तो सबसे पहले सब्जियों में मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी गाजर, और बाकी सब्जियां बाद में डालूंगी क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। और ये हम डालेंगे, ये है हरी मिर्चें और लाल मिर्चें स्पाइस के लिए। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से, मैं हमेशा कहती हूँ कि नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, जितना कम ज़्यादा आपको चाहिए। इसको हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और हल्की आंच पर थोड़ा सा ढक देंगे ताकि चिकन और वो गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखिए दोस्तों, चिकन और गाजर अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, गाजर भी तकरीबन नरम हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डालेंगे। ये है शिमला मिर्च, और ये है कुस्सा, ये है मटर, और ये है बंद गोभी। अब आराम से हम इसको मिक्स करेंगे।
हरी मिर्च है सबसे आखिर, हरी प्याज में सबसे आखिर मैं इसमें डालूंगी। दो मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगाएंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना फिर सब्जियों का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों सब्जी तकरीबन हो गई है, इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी हरा प्याज। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पास्ता। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें डाला है पास्ता और हम अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज से आप इसके अंदर मिर्च वगैरह सब चेक कर लें, जितना आपको कम ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से चेक कर लें और फिर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पर हल्की आंच पे दम पर रख दें ताकि सारे मसाले पास्ता में जज़ब हो जाए। तो अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ये देखिए दोस्तों पास्ता हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे बाउल में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों पास्ता तैयार हो गया है, साथ में मैंने मेयोनीज़, गार्लिक सॉस, केचप जो भी आपको पसंद हो आप इसी के साथ आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। शुक्रिया।